हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेम और कैलिब्रेशन और पैरामीटर कैलकुलेशन के बारे में। ये दोनों चीज़ें हैं क्या, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा फ्रेम और कैलिब्रेशन से। फ्रेम और कैलिब्रेशन को हम साइट कैलिब्रेशन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ये फंक्शन हम कब यूज करेंगे, मान लीजिए आप अपना सर्वे वर्क स्टार्ट कर रहे हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स पे, या आप शिफ्ट करना चाहते हैं अपना डीजीपीएस नेक्स्ट नॉन पॉइंट पे या मेजर पॉइंट पे, तभी इसका यूज करेंगे। मैं आपको और सरल भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका पूरा टोटल एरिया है, आप आज गए थे सर्वे करके आए हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे बेस लगाया था, इसके बाद आपने दो तीन स्टेशन डाले थे जिसमें से, अब मान लीजिए यहाँ पर आपको कल जाना है और यहाँ पर आप बेस नहीं लगा सकते, तो आप क्या करेंगे। अभी मान लीजिए बीस में से ये तीन पॉइंट भी मिट गए, एक पॉइंट है बट वहाँ पे आप रोवर लेके जाकर ही मेजर कर सकते हैं, बेस यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बेस कहीं भी लगाइए, बेस को ऑटो मोड में सेट करिए, देन रोवर को कनेक्ट करिए। जब आपका आरटीके फिक्स आ जाए, आरटीके फिक्स, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका एक सिंगल पॉइंट बचा हुआ है इस जिग जैग लाइन पे आपको टच करना है। उससे पहले, टच करने से पहले यहाँ पे बेस करेक्शन को ऑन कर दीजिए। बेस करेक्शन को ऑन करेंगे, यहाँ पे जिग जैग लाइन पे टच करिए और वहाँ पे जो पॉइंट है आपका उस पर कार्बन पोल लेके खड़े होइए और वहाँ पे आपको 10 या 20 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स आने दीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो स्टोर हो जाएगा, नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जेड तीनों। इसके बाद यहाँ पे नोन रहता है, तो इसी जगह का जो ये नॉर्थिंग ईस्टिंग जेड है, इसी जगह का आपको नॉर्थिंग ईस्टिंग जेड, जो मान लीजिए आपने जो सर्वे किया था वो जो पॉइंट छोड़ा था उसका यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आप कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट करने के बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा और कितना शिफ्ट हुआ है वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पर करंट में क्या है यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद आपका उसी कोऑर्डिनेट के रेफरेंस से आपका जो बेस है वो चलने लगेगा और आगे की जो आपके पॉइंट वगैरह हैं वो चेक करेंगे, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको फ्रेम और कैलिब्रेशन समझ में आया होगा। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे है पैरामीटर कैलकुलेशन। पैरामीटर कैलकुलेशन का हम यूज कब करेंगे, पैरामीटर कैलकुलेशन का हम यूज तब करते हैं जब हमको काम करना होता है लोकल नॉन पॉइंट है, मान लीजिए टोटल स्टेशन से मेजर किया हुआ डाटा है, उसमें हम पैरामीटर कैलकुलेशन का यूज करते हैं। इसमें जो कैलकुलेशन हम करते हैं डीजीपीएस, जो स्केल फैक्टर होता है लोकल नॉन पॉइंट का, उसके हिसाब से ये हमारा यहाँ पे सेम स्केल फैक्टर टोटल स्टेशन का और डीजीपीएस का हो जाता है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर जब आप अपना जो बेस है पैरामीटर कैलकुलेशन करने के लिए आपको मिनिमम तीन पॉइंट की ज़रूरत रहेगी, और अगर आपके पास टीएस के टोटल स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसके लिए आपको तीन पॉइंट की ज़रूरत मिनिमम रहेगी। तो आप अपना बेस, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपने बेस लगा दिया, और बेस लगाने के बाद आप अपना ऑटो मोड में स्टार करिए, और जब बेस को सेट करिए उसके बाद आप रोवर को सेट करिए, आरटीके आ जाए, आरटीके आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर आप अपना इसको मेजर करिए जो आपका कार्बन पोल है इन दोनों पॉइंट को, तो आपके पास तीन पॉइंट हो गए। यहाँ पे आपको हाइट में कांस्टेंट वर्टिकल ऑफसेट रखना है, फिर आप यहाँ पे ऐड पे आएंगे, ऐड पे आने के बाद यहाँ पे आप जो आपने पॉइंट मेजर किया है यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मान लीजिए ये बेस का आ गया, तो ये जो बेस का आया इसी जगह का आप लोकल कंट्रोल पॉइंट डालेंगे, मीन्स जो आपके पास किसका डाटा है टोटल स्टेशन का, यहाँ पे मान लीजिए जो भी आपके पास नॉर्थिंग ईस्टिंग और जेड है वो उसको यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे फिर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद एन ए जेड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट वन मान लीजिए, फिर यहाँ पे जो टोटल स्टेशन का डाटा है इसी पॉइंट का उसको यहाँ पे डालेंगे, फिर सेव करेंगे, फिर ऐड पे आएंगे, फिर एन ए जेड पे जाएंगे, फिर मान लीजिए पॉइंट थ्री है, फिर यहाँ पे एन ए जेड इसी थर्ड पॉइंट का टोटल स्टेशन का डाटा यहाँ पे आप इनपुट करेंगे, फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको कंप्यूट का बटन दिखेगा,
नीचे की साइड में यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट करने के बाद यहाँ पे जो स्केल फैक्टर वगैरह रहेगा वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, फिर आप उसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। फिर आपको जब डिटेल सर्वे में आएंगे तो यहाँ पे नॉर्थिंग ईस्टिंग और जो जेड रहेगा वो आपको लोकल कोऑर्डिनेट्स मीन्स टोटल स्टेशन के से जो आपने मेजर किया है उसके रेफरेंस से वो कोऑर्डिनेट्स आने लगेंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि फ्रेम और कैलिब्रेशन और पैरामीटर कैलकुलेशन में डिफरेंस क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।